सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल जातीय जनगणना को लेकर गंभीर हैं, तो अब तक कांग्रेस शासित राज्यों में इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना कराकर अन्य राज्यों के लिए उदाहरण पेश किया है। 22 के बाद ही क्यों ये लगा इन लोगों को कि जातीय जनगणना देश में होना चाहिए, जब देश हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिल रहे थे सर्वदलीय बैठक में, दो दो बार सर्वदलीय बैठक हुई प्रधानमंत्री के साथ, सर्वदलीय बैठक बिहार में हुई, एकमुश्त निर्णय किया गया, तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो क्यों नहीं करा रहा है, किसने मना किया हुआ है। जैसे बिहार राज्य ने जातीय गणना करने के बाद राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का जायजा लिया, उसी तरह जहां जहां कांग्रेस समर्थन में है या कांग्रेस की सरकार है, छोटे या बड़े जो भी राज्य हैं, वहां पर कराने के लिए किसने रोका है राहुल गांधी जी को। सिर्फ करनी और कथनी दोनों में एक रूपता होनी चाहिए, तभी राजनीति में जनता के ऊपर विश्वास जनता का आ सकता है। नीतीश कुमार ने तो जातीय जनगणना का न सिर्फ अगुआ बने, प्रधानमंत्री से उन्होंने डिप्लोमेटिकली सर्वे राजनीतिक दल के लोगों को अपने साथ लिया, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, और सबको साथ लेके कंसेंसस बना के प्रधानमंत्री से दो दो बार मिले। बिहार के